हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस आर्ट एंड डिज़ाइन। होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रीज मैग्नेट्स, और वो भी बनाएंगे हम घर पे सिंपल तरीके से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ कार्डबोर्ड्स जो मेरे घर में पड़े हुए थे। काफ़ी थिक है ये कार्डबोर्ड्स और स्टेडी भी है, सो इसको हम यूज़ करेंगे एज अ फ्रीज मैग्नेट्स। फर्स्ट हमें ड्रॉ करना है जो भी आपको मैग्नेट बनाना है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कप केक का ड्राइंग, और उसको ड्रॉ करने के लिए मैंने लिया है एक सिंपल सा पेंसिल। बेसिक में शेप ड्रॉ करूँगी उसका, और उसके बाद हम लोग उसको कलर करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक्रेलिक कलर्स, और एक्रेलिक कलर से ही मैंने रेड और वाइट मिक्स करके पिंक बनाया है, ताकि मैं ये ऊपर का जो क्रीम होता है उसका अच्छा सा लुक दे दूँ। क्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट, रेड और पिंक के कॉम्बिनेशंस। कहाँ पे हाइलाइट्स है, कहाँ पे शैडोज है, वो आपको ऑब्जर्व करना है अच्छी तरीके से। आप ये ड्राइंग देख के कॉपी भी कर सकते हो, जिसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे हाइलाइट्स देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर, और वाइट कलर काफ़ी थिक लिया है, तो वैसे ही मैं उसको जहाँ पे हाइलाइट्स है वहाँ पे मैं जस्ट लगाऊंगी। अब हम लोग बेस पे लगाएंगे ब्राउन कलर, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ चेरी जो है रेड कलर की। अब हम लेंगे पेन, कोई भी कलर पेन लिया तो भी चलेगा, और उसके हेल्प से हम जस्ट उसका आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि वो जो क्रीम है उसका शेप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कपकेक का बेस ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा लाइट कलर, या फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको पतला भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको काफ़ी फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कलर सूख जाएगा तो एक्रेलिक कलर एक दूसरे में मर्ज करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सो मेक श्योर आपके जो कलर्स हैं वो आप फास्ट लगाएं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पेन, ताकि मैं उसके एजेस ड्रॉ कर सकूँ, हाईलाइट कर सकूँ। यस एंड दैट्स इट। अब हमें हाईलाइट करना है ऊपर का क्रीम पार्ट, जिसके लिए मैं ले रही हूँ डार्क कलर, और हमें उसकी शैडो और जो एजेस हैं उसको डार्क कलर से फिनिश करना है, ताकि वो उठ के आ जाए और क्रीम वाला लुक काफ़ी अच्छा लगे। यस एंड दैट्स इट, हमारा कपकेक ड्राइंग रेडी है। अब हम लेंगे एक सीज़र, और सीज़र के हेल्प से हम लोग उसका एग्जैक्ट शेप कट कर देंगे। शेप हमारा कट करके रेडी हो चुका है। अब हम इसको ऊपर लगाएंगे मॉड पॉज ग्लू। मॉड पॉज ग्लू से कलर काफ़ी अच्छा और इनहांस होता है, और आपके कलर लॉक हो जाते हैं। अब इसमें हम यूज़ करेंगे रेजिन आर्ट। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्लियर अल्ट्रा रेजिन आर्ट। रेजिन आपको 2:1 लेना है, मतलब 2 स्पून अगर आप रेजिन लोगे तो 1 स्पून आपको हार्डनर लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पोर करेंगे हमारे कपकेक के ऊपर। और ध्यान रखिए, हल्के हाथ से आपको इसको स्प्रेड करना है, और विथ एनी स्टिक, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आइसक्रीम की एक स्टिक, इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और रख देंगे सूखने के लिए फॉर 1 डे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके रिजल्ट्स। एंड यस, हमारा कपकेक कलर करके रेडी है। अब हम इसके पीछे लगाएंगे मैग्नेट। ये मैंने लिया है एक लोकल मार्केट से, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और ये हम ग्लू के हेल्प से स्टिक कर देंगे। एंड यस, अवर मैग्नेट इज रेडी। बाकी के जो बचे हुए मैग्नेट्स हैं वो भी हम ये सेम टेक्निक से बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड।
since I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into